दोस्तों HDFC AMC का IPO आ चुका है और देश के जाने माने एनालिस्ट बोल रहे हैं कि इसमें आंख बंद करके पैसे लगाइए। क्यों? क्योंकि ये HDFC ग्रुप की कंपनी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि HDFC ग्रुप की कुछ कंपनियां ऐसी भी है जो घाटे में चल रही है, और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, खुद कंपनी ने अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट में लिखा है। और उन्होंने ये भी बताया कि इसके जो मैनेजमेंट के कुछ टीम मेंबर हैं उनके ऊपर कुछ क्रिमिनल केसेस भी चल रहे हैं, ये भी उन्होंने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट में लिखा है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो IPO आया है 2800 करोड़ रुपीज़ का है, लेकिन इस 2800 करोड़ रुपीज़ से एक रुपये भी इस कंपनी को नहीं मिलेगा। फिर आप बोलेंगे कि पैसे जाएंगे किसके पास, कौन से कंपनी के पास पैसे जाएंगे? अगर जिस कंपनी के पास पैसे जाएंगे उसे तो फ़ायदा होगा, फिर उसके शेयर में पैसे क्यों ना लगाएं? तो मैं ये नहीं बोल रहा कि इस IPO में पैसे ना लगाएं या उस कंपनी में पैसे ना लगाएं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप जिस कंपनी में पैसे डाल रहे हैं उस कंपनी के बारे में आप सब कुछ जानिए। आप ये भी जानिए उन्होंने अपने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट में क्या लिखा है। और मैं सच मानिए तो ये जो IPO है, ये IPO है ही नहीं। क्यों नहीं IPO है, मैं आपको आगे सब कुछ बताऊंगा। ये जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि ये IPO क्यों नहीं है, इस IPO से जो पैसे आएंगे इस कंपनी को क्यों नहीं जाएंगे, ये पैसे कौन से कंपनी को जाएंगे, इस कंपनी के इस ग्रुप के और कौन से कंपनियां हैं जो घाटे में चल रही है, कौन कौन से लोग हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केसेस चल रही है, इस कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, इस कंपनी में पैसे लगाने पर रिस्क क्या होगा, तो ये सारे बातें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं बहुत कुछ इसमें बताने वाला हूँ जो उन्होंने रेड हेरिंग्स प्रोस्पेक्ट में खुद लिखा है। मैं पूरे प्रूफ के साथ आपको बताऊंगा। मैं हूँ राजेश सिंह, आपका दोस्त, शेयर मार्केट एनालिस्ट, और आपका अपने चैनल एटवोटॉक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस IPO का बेसिक डिटेल्स, इसके डिटेल्स बताऊंगा, इस कंपनी का परफॉर्मेंस बताऊंगा, इस कंपनी का स्ट्रेंथ बताऊंगा, इस IPO में पैसे लगाने का रिस्क क्या होगा, और साथ साथ में इस डिटेल्स के साथ साथ में मैं वो कुछ हिडन थिंग आपको बताऊंगा जो उन्होंने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट में लिखा है। मैं आपको इसमें ये भी बताऊंगा कि पैसे आ तो रहे हैं IPO से, लेकिन वो जा कहाँ रहे हैं, क्योंकि कंपनी के पास तो पैसे नहीं आ रहे हैं। फिर इसमें जो क्रिमिनल केसेस हैं वो क्या है, इसके कौन से कंपनियां हैं जो कि लॉस में चल रही है, 5 ऐसे कंपनियों का मैं नाम बताऊंगा जो उन्होंने खुद रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट में लिखा है। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूं इसके कंपनी का बेसिक डिटेल। दोस्तों पहले इस IPO का डिटेल देख लेते हैं, कब यह स्टार्ट हो रही है। ये जो HDFC AMC का IPO है, जिसे कि हम म्यूचुअल फंड कंपनी के नाम से भी जानते हैं, इसका IPO खुल रहा है 25 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक होगा, और ये टोटल 2800 करोड़ रुपीज़ इसे कंपनी को आएगी, इसलिए कंपनी को नहीं आएगी, मैं इस पर आगे बताऊंगा। इसका फेस वैल्यू 5 रुपीज़ होगा, इसका इशू प्राइस है 1095 से लेकर 1100 रुपीज़ तक पर इक्विटी शेयर, और इसका मार्केट लॉट है 13 शेयर एंड मल्टीपल ऑफ 13। तो आपको अगर मिनिमम पैसे लगाना है 1 लॉट के लगाना है तो आपको 13 शेयर लेना होगा, जिसका कि कॉस्ट आएगा 14300। तो आपको मैं इस कंपनी के बारे में बता दूँ कि कंपनी स्टार्ट हुई थी 1999 में, जो कि इसका सेबी ने इसे अप्रूव किया 2000 में। ये जो कंपनी है इसमें मेनली 3 प्रमोटर्स हैं, इसके जो 3 प्रमोटर है उसमें तो एक तो HDFC लिमिटेड है जिसके पास 57.36% का शेयर है, दूसरा स्टैंडर्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो कि बाहर की कंपनी है, उनके पास 38.24 है, और 4% है जो कि अदर शेयर होल्डर्स के पास है। HDFC AMC कंपनी है, ये मोस्ट प्रॉफिटेबल असेट मैनेजमेंट कंपनी है। इस कंपनी का स्ट्रेंथ देख लेते हैं, क्या स्ट्रेंथ है। सबसे बड़ा स्ट्रेंथ तो ये है कि इसका ब्रांड रेपुटेशन, HDFC का ब्रांड रेपुटेशन बहुत ही अच्छा है, FII की नज़र इस पर हमेशा बनी रहती है, और कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट परफॉर्मेंस है, इसका इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा है, डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट मिक्स है, स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबल ग्रोथ है, और HDFC AMC के पास बहुत सारे सेविंग और इन्वेस्टमेंट प्लान है, जैसे कि इनके पास 28 इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम है, 91 डेप्ट स्कीम है, 3 लिक्विड स्कीम है, और अदर स्कीम्स है। इसका मैं आपको कंपैरिजन दिखाता हूँ दूसरे AMC कंपनी से, जो टॉप 10 AMC कंपनी है, जैसे कि AICC प्रूडेंशियल है, आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड है, रिलायंस म्यूचुअल फंड है जिसका भी रिसेंटली इन्होंने लिस्टिंग करवाया है, SBI म्यूचुअल फंड है, UTI है। अगर आप देखें तो इसका जो AUM है सबसे ज़्यादा, अगर मार्च 2018 का देखें रिपोर्ट तो सबसे ज़्यादा 2917 बिलियन रुपीज़ है, जो कि मार्केट शेयर का, इंडस्ट्री शेयर का
13.7% है। अगर इनका प्रॉफिट कंपेयर करें दूसरे एएमसी कंपनियों से तो आप प्रॉफिट भी देखेंगे कि इनका सबसे ज़्यादा है। नेट प्रॉफिट इनका है 5,502 मिलियन रुपीज, जबकि रिलायंस निपन जो भी रिसेंटली लिस्ट हुई थी उनका 4,000 है, आईसीसी प्रोडेंशियल का 4,800 है, बिरला आदित्य बिरला सन लाइफ का 2,200 है, एसबीआई म्यूचुअल फंड का 2,200 है। और इसका मैं पूरा डिटेल आपको दिखाऊंगा इनके रेट एनिंग प्रोस्पेक्ट में। इस वीडियो का स्टार्टिंग में मैंने आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछा था, तो चलिए एक एक करके सबका आंसर ढूंढते हैं इसके रेट एनिंग प्रोस्पेक्ट में। तो इसका एनालिसिस करते हैं, तो सबसे पहले हम चलते हैं एनएससी के वेबसाइट पे, जहाँ पर इस करंट आईपीओ का पूरा डिटेल्स है, एचडीएफसी एएमसी आईपीओ का डिटेल है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखने लायक है, वो है इशू साइज। इशू साइज इनका जो है ये 2,54,57,555 इक्विटी शेयर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है, जो कि मैं आपको रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट में इसका एनालिसिस करूँगा। तो ये फिगर आप याद करके रखिए, 2,54,00,000। तो चलिए मैं इसका रेट हेयरिंग प्रोस्पेक्ट डाउनलोड करता हूँ। यहाँ पे रेट हेयरिंग प्रोस्पेक्ट है, इसको मैंने डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद मैं इसे ओपन करता हूँ, जो ये HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी का रेट हेयरिंग प्रोस्पेक्ट है, और इसको मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं चलते हैं इसके पेज नंबर 90 पे। मैं आपको शॉर्टकट में थोड़ा इसको दिखा रहा हूँ। तो ये पेज नंबर 90 पे इस पे उन्होंने लिखा है कि जो इनके शेयर होल्डर्स हैं उनके इस आईपीओ के आने के पहले उनके पास कितने शेयर्स हैं, और आईपीओ के बाद पोस्ट ऑफर इनके पास कितने शेयर्स रहेंगे। तो अगर आप इसमें देखेंगे, जो सबसे पहला नंबर है HDFC लिमिटेड का, जिनके पास 56.97% शेयर है प्री ऑफर आईपीओ के आने से पहले, और दूसरा स्टैंडर्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट जो कि बाहर की कंपनी, उनके पास 37.98% है, और बाकी लोगों के पास 0.59 थोड़े थोड़े स्टॉक्स हैं, और ये है प्री ऑफर। और उसके बाद देखेंगे पोस्ट ऑफर, आईपीओ आने के बाद इनके पास कितने शेयर्स बचेंगे। तो अगर इनका देखें तो HDFC के पास 56.97 है, जो कि घटकर 52.92% हो जाएगा। स्टैंडर्ड लाइफ का 37.98 है, जो घटकर 30% हो जाएगा, और बाकी शेयर होल्डर्स के शेयर होल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, नो चेंज, जितना पहले उतना बाद में भी रहेगा। तो अभी ये जो इनका शेयर होल्डिंग है, इनका घटने के बाद जो शेयर होल्डिंग बचेगा, अगर इसको आप ऐड करेंगे, इस दोनों अमाउंट का जो डिफरेंस है इसका ऐड करेंगे, वो बिल्कुल उतना ही होगा जो नंबर ऑफ शेयर्स आपको आईपीओ में दिखाया गया है। वो शेयर्स होगा 2,54,57,555। कहने का मतलब ये कि इनका जो एक कंपनी अपने आईपीओ नहीं ला रही है, ये जो इनके दो शेयर होल्डर्स हैं वो अपने शेयर्स को बेच रहे हैं। मतलब ये एक तरह से कहा जाए तो ये OFS है, ऑफर फॉर सेल है, इस दो प्रमोटर्स के थ्रू। तो इससे जो 2,800 करोड़ रुपीज आएंगे, ये दोनों पैसे जाएंगे इस दो प्रमोटर्स के पास, HDFC बैंक के पास जाएंगे और स्टैंडर्ड लाइफ इन्वेस्टिंग के पास जाएंगे। HDFC AMC कंपनी को कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला है। अगर आप ये सोच के पैसे इसमें लगा रहे हैं कि HDFC AMC के पास पैसे आएंगे और वो अपने म्यूचुअल फंड का विस्तार करेगी, एक्सपेंशन करेगी, कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट होगा इन पैसों से, हमें ज़्यादा डिविडेंड मिलेगा, तो ये आप भूल जाइए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, आप ये सोच सकते हैं कि ये HDFC जो अपने इतने 4% शेयर बेच रही है, उससे इनके पास कितने पैसे आएंगे। इससे 4% शेयर बेचने से उनके पास काफ़ी पैसे आ जाएंगे, और उस पैसे से HDFC को प्रॉफिट हो जाएगा, क्योंकि उनको एक साथ इतना बड़ा पैसे मिल रहा है तो उससे अपना बिजनेस में एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो अगर आप इस मोमेंट पे, अगर जब इन्हें पैसे मिलते हैं तो आप HDFC के भी शेयर खरीदें, तो उसमें भी आपको अच्छे फ़ायदा होंगे। अगर आप सोच रहे हैं कि IPO में लगाएं, IPO में मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका चांस तो कम है, क्योंकि सारे लोग इस पे पैसे लगाएंगे, तो आप चाहें तो HDFC लिमिटेड में, HDFC बैंक नहीं, HDFC लिमिटेड में आप पैसे लगा सकते हैं, क्योंकि इन्हें एक इस 4% शेयर बेचने से जो पैसे आएंगे, बहुत बड़ा अमाउंट में पैसे आएंगे। तो और भी मैं आपको डिटेल दिखाता हूँ। अब आपको मैं ले चलता हूँ इसका पेज नंबर 145 पे, जहाँ पे वो दिखा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड का जो ग्रोथ है, वो आप ग्रोथ देखिए पिछले कई सालों में, ये 2002 से लिया गया है, तो इसका जो ग्रोथ है वो एक स्ट्रेट ग्रोथ नहीं है, एक तरह से देखा जाए तो उससे बेहतर ये जे कर्व बना रही है। यहाँ पे
यहाँ जो इनका कर्व है वो जे कर्व है, यहाँ देख रहे हैं ये जे कर्व है जो कि स्ट्रेट कर्व से ज़्यादा अच्छा होता है। और इनका कंपाउंडेड अगर ग्रोथ देखें तो 17.7% है जो कि बहुत ही अच्छा है। मैं आपको और आगे ले चलता हूँ, आपको ले चलता हूँ पेज नंबर 165 पे। यहाँ पे उन्होंने कंपैरिजन किया है जो टॉप 10 प्लेयर्स हैं म्यूचुअल फंड मार्केट में, उनका उन्होंने कंपेयर किया है। एक मार्च 2018 क्वार्टरली रिजल्ट है और ये मार्च 2018 का एयूएम है, मंथ एंड ऑफ मार्च 2018। यहाँ अगर आप देखेंगे जो आईसीसी प्रूडेंशियल जिसे टॉप माना जाता है उसका क्वार्टरली एवरेज में देखेंगे तो उनके पास सबसे ज़्यादा एयूएम पैसे हैं, लेकिन मार्च इंट में देखें तो उससे कहीं आगे एचडीएफसी आगे निकल गया है। उनका आईसीसी का 13.6% से इनका 13.7% से आगे बढ़ रही है, इसका ग्रोथ अब आईसीसी से भी आगे निकल रही है। और बाकी लोगों से कंपेयर करें आदित्य बिरला, रिलायंस म्यूचुअल फंड, एसबीआई म्यूचुअल फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड, कोटक महिंद्रा फंड, इस सबसे ज़्यादा किसी के पास है तो वह है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड और आईसीआईसीआई प्रू लाइफ के पास, प्रूडेंशियल के पास। तो ये तो हो गया एक, फिर मैं आपको आगे ले चलता हूँ पेज नंबर 168 पे। यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ इस कंपनी का प्रॉफिट, अगर कंपेयर करें जो पिछले टॉप 5 म्यूचुअल फंड कंपनी है तो अगर आप देखें यहाँ पर टोटल रेवेन्यू एचडीएफसी का जो एएमसी का है वो 15,000 है, जबकि रिलायंस निपुण जो रिसेंटली लॉन्च हुई थी या काफ़ी सक्सेस में आईपीओ भी माना जाता है उनका 14,000 है, आईसीसी प्रूडेंशियल का 13,000 है, आदित्य बिरला का 9,000 है। अगर इसका प्रॉफिट देखें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी आफ्टर टैक्स भी देखें, आप कोई भी प्रॉफिट देखें, ये भी बाकी के जो 4 टॉप कंपनियां हैं उससे कहीं ज़्यादा है। तो इसलिए इसे कहा जाता है कि मोस्ट प्रॉफिटेबल एएमसी कंपनी इन इंडिया, एचडीएफसी को कहा जाता है। और आगे आपको दिखाता हूँ, आपको ले चलता हूँ पेज नंबर 175 पे। तो इनके पास इतने सारे स्कीम्स है, इक्विटी स्कीम्स है, डेप्ट स्कीम है, हाइब्रिड स्कीम है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड स्कीम है, और भी बहुत सारे स्कीम्स हैं इनके पास। आप सबके इंडिविजुअली देखें तो उनके इनके पास बहुत काफ़ी पैसे हैं, तो इसलिए इस वजह से इनका ग्रोथ भी ज़्यादा होता है। और आपको आगे ले चलता हूँ पेज नंबर 250 पे। जहाँ कि आपको दिखा सकता हूँ कि जो इनके ग्रुप कंपनियाँ हैं, ग्री फाइनेंस लिमिटेड, वो उन्होंने अपना लॉन्च किया था 1992 में, और उसका एचडीएफसी के पास ग्री फाइनेंस का 57% होल्डिंग है। और इसके जो दूसरे और अदर कंपनी है, एचडीएफसी बैंक को आप देख रहे हैं, एचडीएफसी स्टैंडर्ड लाइफ का भी आईपीओ में काफ़ी अच्छा रिटर्न्स मिला है। तो इनके जो ग्रुप कंपनी जो लिस्टेड हुए हैं उसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न्स लोगों को मिल रहे हैं। अब आपको मैं ले चलता हूँ पेज नंबर 260, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि एचडीएफसी ग्रुप के सारी कंपनियाँ प्रॉफिट में नहीं हैं, उनके खुद रेड हेडिंग प्रोस्पेक्ट में उन्होंने बताया है कि उनकी ये कुछ कंपनियाँ हैं, ये 6 कंपनियाँ हैं जो कि लॉस मेकिंग कंपनी है, जिसमें एक है गृहा इन्वेस्टमेंट जो कि लॉस में है, लॉस में चल रही है। एचडीएफसी पेंशन कंपनी है जो कि वो भी लॉस में चल रही है, एचडीएफसी इंटरनेशनल वो भी लॉस में चल रही है, एचडीएफसी एजुकेशन डेवलपमेंट है ये भी लॉस में चल रही है, एचडीएफसी सेल्स प्राइवेट लिमिटेड ये भी लॉस में चल रही है, एचडीएफसी वेंचुरा है ये भी बहुत लॉस में चल रही है। तो एचडीएफसी ग्रुप्स के पास काफ़ी कंपनियाँ हैं जो कि बहुत ही प्रॉफिट कर रही है, लेकिन कुछ कंपनियाँ ऐसे भी है कि लॉस में भी चल रही है। तो उन्होंने सब इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया है कि जो भी आपका रिस्क फैक्टर है आप यहाँ इस रेड हेडिंग परस्पेक्ट में देख लें। और आपको मैं आगे ले चलता हूँ पेज नंबर 360 पे, जहाँ मैंने आपको डिस्कस किया था क्रिमिनल केसेस के बारे में। तो उन्होंने खुद दीपक पारेख ने बताया कि दीपक पारेख के ऊपर भी कुछ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं जो कि अभी उनको बेल मिल चुका है। फिर सुरेश चंद्रा भी पारेख ने उन्हें इनके ऊपर एक एचडीएफसी ऊपर एक केस फाइल किया था नवंबर 29, 2018 में, ये एक केस ख़त्म हो चुका है अभी। और भी कुछ केसेस हैं जो कि मैनेजमेंट के कुछ लोगों पे है, के मिस्त्री पे है कुछ का है, लेकिन ये केसेस बहुत ज़्यादा बड़ी केसेस नहीं है, इससे इस कंपनी के परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला है।
तो ये सब रहे कुछ रेड हिल प्रोस्पेक्ट्स में जो कि मैंने आपको पहले जिक्र किया था, आपके लिए जानना जरूरी है अगर इस कंपनी में आप पैसे लगा रहे हैं तो। तो चलिए देखते हैं इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं इस कंपनी के बारे में कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव बातें आपको और बताता हूँ, फिर आपको डिसीजन लेने में ईजी होगा। तो सबसे पहली बात कि जो HDFC ग्रुप कंपनी है, जिसकी मेन कंपनी HDFC है, और इसके जो प्रमोटर्स हैं, एक्चुअली इसके प्रमोटर्स हैं ही नहीं, इनके जो प्रमोटर्स हैं परसेंटेज जीरो है, लेकिन इसमें FIA का होल्डिंग 72% है। तो आप सोच सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया 100% होल्डिंग लेने का, तो सारे के सारे शेयर ये FII खरीद के ले जाएंगे। और इसके जो म्यूचुअल फंड अगर आप देखें तो वो भी काफ़ी फेवरेट है लोगों का, और इनका जो मैनेजमेंट है वो भी काफ़ी क्लीन रहा, अभी तक कोई स्कैम रिपोर्टेड नहीं हुआ है। उनके रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्ट में कुछ क्रिमिनल केसेस लिखे हैं उनके कुछ मेंबर पर, लेकिन वो उतना कुछ खास नहीं है। और ऐसे कुछ बैंकिंग का अगर देखें, इनका वर्किंग का देखें, तो कोई स्कैम अभी तक रिपोर्टेड नहीं है, बहुत ही क्लीन मैनेजमेंट रहा है इनका। और ये मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है, और इसका जो HDFC ग्रुप कंपनी है, इनकी जो IPOs आते हैं बहुत कई वर्षों के बाद आते हैं। अगर आप देखेंगे कि अगर ग्रीप फाइनेंस जो आई थी 1992 में आई थी, उसके 3 साल के बाद HDFC बैंक आया था, फिर उसके कई सालों के बाद HDFC एक्सटर्नल लाइफ का आया था IPO। और इनके जितने भी IPO आए हैं सब में उन्होंने बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया है। इसके रिटर्न्स के मामले में इसमें कोई डाउट नहीं है, सब में अच्छा रिटर्न आएंगे। तो आप इस पर भरोसा कर सकते हैं कि इस बार भी HDFC का AMC है, उस पर भी आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न मिलेंगे। और इसका जो रिटर्न इक्विटी रिटर्न रेशियो है, वो इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी वो 40% है पिछले 5 सालों का अगर आप देखें, वो काफ़ी अच्छा है। अगर इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखें तो वो काफ़ी वाइड है, और इनका जो डिविडेंड पे आउट है वो भी का इंक्रीजिंग रहा है, तो काफ़ी अच्छी है इस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए काफ़ी अच्छा है। तो लेकिन इस कंपनी में रिस्क क्या हो सकता है? तो रिस्क ये हो सकता है कि जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि मार्केट में स्लो डाउन चल रहा है, अगर मार्केट कभी क्रैश हो जाता है जैसा कि 2008 में हुआ था, तो अगर इस तरह का क्रॉस होता है तो लोग क्या करते हैं कि ये म्यूचुअल फंड में जो SIP के थ्रू जो पैसे आ रहे हैं वो SIP में आना बंद हो जाता है, और लोग उल्टा पैसे वापस निकालने लगते हैं म्यूचुअल फंड से, तो उससे इसके अर्निंग पे इम्पेक्ट आ सकता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर किसी गवर्नमेंट ने अपना FII का जो इन्वेस्टमेंट का पॉलिसी है अगर उसने चेंज कर दिया, तो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। अगर FII इन्वेस्टमेंट को उन्होंने 100% अलाउ कर दिया तो वह पॉजिटिव होगा, लेकिन उन्होंने अगर होल्डिंग का लिमिट कम कर दिया कि 50% ज़्यादा नहीं रख सकते हैं, तो फिर उन्हें काफ़ी शेयर्स बेचने होंगे, तो एक नेगेटिव हो सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म के जो शेयर होल्डर हैं उनके लिए थोड़ा सा इसको देखना होगा, जो गवर्नमेंट का रूल है उसका क्या इम्पेक्ट आता है इस पर। और इस पर जो मेरा ओपिनियन है कि ये IPO जो बहुत ही अच्छा है, लिस्टिंग गेन के लिए भी है, लॉन्ग टर्म के लिए भी तो बहुत अच्छा है, आप इसे लेकर के FD की तरह भूल जाइए, बहुत ही अच्छा है। और अगर इसका जो ग्रे मार्केट का अभी प्रीमियम रेट देखेंगे तो अभी 360 चल रहा है 19 जुलाई को, 4 दिन पहले इसका 250 चल रहा था, 300 चल रहा था, लेकिन 19 जुलाई को 360 है। और एक आपको बहुत ही पॉजिटिव बात बताता हूँ, जो कि इसके जो HDFC लिमिटेड के जो चेयरमैन है दीपक पारिक, उन्होंने अपने अनाउंसमेंट में कहा है, वी डोंट हैव ए सिंगल कंपनी इन आवर ग्रुप, वे इन्वेस्टर हैव लॉस्ट मनी सो फार, वी डोंट वॉन्ट डैट टू हैपन विथ दिस इशू ऑल्सो। उन्होंने इस बात की भरोसा दिलाया है कि जैसा कि आपने देखा है कि इस कंपनी के जो ग्रुप अदर लिस्टेड कंपनियां हैं उसमें कहीं भी किसी भी इन्वेस्टर को पैसे का नुकसान नहीं हुआ है, और वो इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस इशू में भी उन्हें किसी का नुकसान नहीं होगा। तो ये खुद ही एक बहुत बड़ी चीज़ है, इन्होंने जो कहा बिल्कुल सही कहा है, तो इस पर आप भरोसा कर सकते हैं। इस IPO में सब्सक्रिप्शन बहुत ही ज़्यादा होने वाला है, और अलॉटमेंट मिलने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर आप चाहते हैं कि आपको अलॉटमेंट मिल जाए तो आपको ये कुछ ट्रिक्स अपना सकते हैं, जैसे कि अगर आप सेविंग बैंक अकाउंट से IPO के लिए अप्लाई करें, इंस्टेंट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, अगर आपके पास लेडीज़ अकाउंट है तो आप लेडीज़ के नाम से अप्लाई करें, आप 1-1 लॉट ही अप्लाई कीजिए। अगर आपके फैमिली मेम्बर्स में और भी डीमैट अकाउंट है, ट्रेडिंग सेविंग अकाउंट है, तो वहाँ से आप अप्लाई कीजिए, और अप्लाई हमेशा कट ऑफ प्राइस पे कीजिए। अब आज का सवाल आपके लिए, ये जो आप एक स्टॉक का ग्राफ देख रहे हैं, पिछले 1 साल का मैं रिटर्न ग्राफ दिखा रहा हूँ, इसने बहुत ही अच्छा रिटर्न्स दिया है। ये लास्ट 1 वीक में उसने 2.64% का रिटर्न दिया है, 1 मंथ में 7% का रिटर्न दिया है, ईयर टू डेट
1 जनवरी 2018 से अब तक उन्होंने 30% का रिटर्न दिया है, पिछले एक साल में 48% का रिटर्न दिया है, 3 ईयर्स में 69% का रिटर्न दिया है, 5 ईयर्स में 79% का रिटर्न दिया है, 10 ईयर्स में 566% का रिटर्न दिया है। क्या आप गेस कर सकते हैं कौन सा स्टॉक है? मैं आपको एक क्लू दे दूंगा कि इस स्टॉक को कुछ लोग FD स्टॉक भी बोलते हैं, फिक्स्ड, ये बिल्कुल फिक्स्ड डिपॉजिट जैसा स्टॉक है, आप पैसे लगा के भूल जाइए, आपको FD से ज़्यादा अच्छे रिटर्न देने वाले हैं। तो आप इस स्टॉक को गेस कीजिए और हमें यहाँ कमेंट में लिख के बताइए। दोस्तों, अगर आपको हमारा एनालिसिस अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, लेकिन साथ में कमेंट में लिख के मुझे ये बताइए कि आप इस वीडियो में और क्या अच्छा चाहते हैं, क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, ताकि आगे वाले आने वाले वीडियो में मैं और अच्छे तरीके से एनालिसिस कर सकूँ, अच्छे वीडियो बना सकूँ। और दोस्तों, जो भी आपके फ्रेंड रिलेटिव स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं, हो सकता है कि वो इस IPO में पैसे जरूर लगाएं, और लगाना भी चाहिए, लेकिन आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, उन्हें बताइए कि जिस कंपनी में पैसे लगा रहे हैं उस कंपनी के सारा सच को जानें, समझें और तभी निवेश करें। तो समझिए और निवेश कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक से आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए, इस बेल आइकन को क्लिक करने से आपको मिलेगा मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।